आगे बढ़ते ही रीति काल की तरफ। उत्तर मध्य काल को ही रीति काल कहा जाता है। संस्कृत के लक्षण ग्रंथों को आधार मानकर रचा गया साहित्य काल रीति काल कहलाता है। आचार्य शुक्ल रीति काल की इसमें सीमा 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत मानते हैं। अलंकार रस नायिका भेद गुण ध्वनि वक्रोक्ति आदि काव्य सिद्धांतों के आधार पर लिखा गया काव्य रीति काव्य कहलाता है। नामगण अलंकृत काल कहा मिश्र बंधु ने, रीति काल कहा रामचंद्र शुक्ल ने, श्रृंगार काल कहा विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने, कलाकाल कहा डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल और राम कुमार वर्मा ने, रीति श्रृंगार काल कहा डॉक्टर भागीरथ मिश्र, दी आर्ट्स पोएटिका डॉक्टर ग्रियर्सन ने, एलाबोरेटेड पीरियड एडविन ग्रिज ने। रीति काल के उदय के कारण, पहला आश्रयदाताओं की रुचि शुक्ल के अनुसार, दूसरा जीवन की बाई अभिव्यक्ति से निराशा नगेंद्र के अनुसार, संस्कृत साहित्य से प्रेरणा व प्रभाव द्विवेदी के अनुसार। रीतिकालीन काव्य को जनकाव्य ने कहकर दरबारी संस्कृति का काव्य कहा जाता है। इसमें कविता आम आदमी को दुख व हर्ष से जुड़ने के बजाय दरबारों के वैभव व विलास से जोड़ी गई है। रीतिकाल के पतन के कारण, पहला चमत्कार का अतिशयता, दूसरा जीवन निरपेक्षता, तीसरा अत्यधिक रसिकता। रीतिकाल के भेद, रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। रीतिबद्ध कवि रीति के बंधन में बंधे हुए लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवि, जिसमें केशवदास, चिंतामणि, देव, मतीराम, जसवंत सिंह, पद्माकर, कुलपति मिश्र, सुरते मिश्र, मंडन, सोमनाथ, भिखारी दास आदि थे। डॉक्टर नगेंद्र बिहारी को भी रीतिबद्ध कवि मानते हैं। रीति सिद्ध कवि लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं करने वाले परंतु रीति के नियमानुसार काव्य रचना करने वाले कवि रीति सिद्ध कवि कहलाते हैं। इसमें बिहारी, रसनिधि, सेनापति, नेवाज, पजनेश, हठीश आदि हैं। रीति मुक्त कवि रीति के बंधन से पूर्णतः मुक्त हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों के आधार पर काव्य रचना करने वाले कवि, इसमें आते हैं घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा, द्विजदेव, भूषण, दूषण और लाल। साहित्य में रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं आचार्य वामन। हिंदी साहित्य में रीति काल के प्रवर्तक चिंतामणि। हिंदी साहित्य में रीति ग्रंथों की परंपरा के प्रवर्तक केशवदास। हिंदी साहित्य में रीति काव्य की सर्वप्रथम रचना हित तरंगिणी कृपाराम कृत। रीतिकालीन साहित्य को ललित कलाओं का श्रृंगार काल कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने रीति काल को गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत कहकर पुकारा है। रीति काल का प्रधान रस था श्रृंगार। रीति काल के प्रतिनिधि कवि थे बिहारी। रीति काल के प्रमुख कवि और उनकी रचना इस प्रकार है। पहले कवि है केशवदास और इनका समय था 1555 से 1617 ईस्वी तक। प्रमुख रचनाएं रसिक प्रिया 1591 में रची गई। केशव की पहली रचना थी और विभाजन 16 प्रकाश में रस एवं नायिका भेद का इसमें वर्णन है। दूसरा है कवि प्रिया, यह 1601 में रची गई हिंदी की पहली काव्य शास्त्रीय रचना। इसमें 16 प्रभाव में विभाजन किया गया है। अलंकार को सर्वाधिक महत्व दिया गया। इसमें अलंकारों को दो भागों में बांटा गया, सामान्य अलंकार और विशिष्ट अलंकार। अगली रचना रामचंद्रिका 1601 में रची गई, प्रबंध काव्य है और महाकाव्य। विभाजन 39 प्रकाशों में, छंदों का अजायब घर और राम कथा का इसमें वर्णन है। अगली रचना वीर सिंह देवचरित्र 1607 में, जहांगीर जस चंद्रिका 1612, विज्ञान गीता 1610। संस्कृत साहित्य में कृष्ण कवि द्वारा रचित प्रबंध चंद्रोदय नाटक पर आधारित प्रतीक शैली में आध्यात्मिक विषय ग्रंथ है रत्न भावनी 1607 ईस्वी में। इसमें वीर गाथा पूर्ण काव्य राजा वीर सिंह और रतन सिंह की वीरता का वर्णन है। नक्षिक राधा के विविध अंगों का वर्णन। अगली है छंदमाला, ये हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। विवाद और आदि नामक दो संचारी भाव प्रतिपादित किए थे। अगले कवि हैं बिहारी 1595 ईस्वी से 1663 ईस्वी तक। इनके आश्रयदाता थे मिर्जा राजा जय सिंह। प्रमुख ग्रंथ बिहारी सच्चई, कुल दोहे हैं 713। भाषा है ब्रज, शैली है दोहा और सोरठा। प्रत्येक दोहे पर इनको एक अशर्फी दी जाती थी। अलंकार, यमक और अन्योक्ति, काव्य स्वरूप था इनका मुक्तक।
सूरदास और बिहारी दोनों ने ही नायिका के रूप में राधा का वर्णन किया, परंतु सूर की राधा मूक और बिहारी की राधा वाचाल मानी जाती है। काव्यगत विशेषताएं, गागर में सागर भरना, सौंदर्य और श्रृंगार, भक्ति का समन्वय और नीति परक काव्य। बिहारी सत्सई की टीका लिखने वाले प्रथम कवि कृष्ण कवि। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी सत्सई को रसिकों के हृदय का घर कहकर पुकारा है। अगले कवि है भूषण कवि। समय है 1613 से 1715 ईस्वी तक। मूल नाम घनश्याम, आश्रय दाता छत्रपति शिवाजी व पन्ना राजा छत्रसाल बुंदेला। रीतिकालीन राष्ट्र कवि कहे जाते हैं। आचार्य शुक्ल ने इनकी भाषा की आलोचना की है। भूषण की उपाधि प्रदान की चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने। बुंदेलखंड के किसी राजा ने इनकी पालकी को कंथा लगाया था। प्रमुख रचनाएं शिवराज भूषण एक अलंकार ग्रंथ है और 105 अलंकारों का इसमें वर्णन है। शिवा भावनी, छत्रपाल दशक, अलंकार प्रकाश और छंदो हृदय प्रकाश। भूषण उल्लास, भूषण हजारा और दूषण उल्लास इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। अगले कवि हैं घनानंद, 1689 से 1739 तक। आश्रय दाता दिल्ली बादशाह मोहम्मद शाह, जिनको ये इनके मीर मुंशी थे। जाति कायस्थ, प्रेमिका सुजान नामक वैश्य थी। इन्होंने अपनी रचनाओं में कृष्ण के लिए सुजान शब्द का प्रयोग किया है। प्रेम की यातना के कवि कहे जाते हैं। आचार्य शुक्ल ने इनको साक्षात रस मूर्ति एवं लाक्षणिक मूर्ति पूजा कहकर पुकारा है। रामधारी सिंह दिनकर ने इनके काव्य की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि वह तो घनानंद के काव्य की पूंजी है। इनकी प्रमुख रचनाएं सुजान सागर, विरह लीला, लोकसार, रस के लिवली, कृपा कांड, सुजान हित। विशेषताएं, गहरी रागात्मकता वृत्ति, ब्रज भाषा की दक्षता, प्रेम की यातना की कमी, स्वच्छंद जीवन की पहचान और सौंदर्य के भेद व भावना भेद की अभिज्ञता। अगले कवि हैं देवदत्त या देव। समय है 1673 से 1767 ईस्वी। ये रीति काल के एकमात्र कवि हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं में स्वरचित उदाहरणों का प्रयोग किया है। इन्होंने छल नामक नए संचारी भाव की उद्भावना की। प्रमुख रचनाएं भाव विलास, आजम शाह के आश्रय में रहकर इन्होंने पूरी की। अष्टयाम, आजम शाह के आश्रय में। कुशल विलास, मफूद राजा कुशल सिंह के आश्रय में। भवानी विलास, भवानी दत्तवेश्या के आश्रय में। प्रेमचंद्रिका, रस विलास, सुजान विनोद, जाति विलास, राग रत्नाकर, देवशतक, देवचरित्र, शब्द रसायन या काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, देवमाया प्रपंच, प्रेम तरंग आदि इनकी रचनाएं हैं। रीतिकालीन अन्य कवि एवं उनकी रचनाएं। चिंतामणि, इनकी रचना है कविकुल, कल्पतरु, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, रस विलास और छंद विचार। मतिराम, इनकी रचना है ललित ललाम, मतिराम सत्सई, रसराज, छंदसार, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, साहित्य सागर। रसनिधि, इनकी रचना है रतन हजारा, विष्णुपद कीर्तन, हिंडोला कवित, आरिल्ल सत्सई गीति संग्रह। जसवंत सिंह, इनकी रचना है भाषा भूषण, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, अनुभव प्रकाश, अपरोक्ष सिद्धांत। मंडन मिश्र, इनकी रचना है रस रत्नावली, रस विलास, जनक 25, नयन 50, काव्य रत्न। अगले कवि हैं सुरती मिश्र, इनकी रचनाएं हैं अलंकार माला, रस रत्न माला, काव्य सिद्धांत, बैताल 25, रस रत्नाकर, श्रृंगार सार। अगले कवि हैं कुलपति मिश्र, इनकी रचना है रस रहस्य, नखशिख, दुर्गा भक्ति तरंगिनी, मुक्ति तरंगिनी, संग्राम सार, द्रोण पर्व। अगले कवि है आलम, इनकी रचना है आलम के लिए। भिखारी दास, रचनाएं काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंद प्रकाश, छंदार्णव पिंगल, अमर प्रकाश। अगले कवि है दूल्हे, रचनाएं हैं कवि कुलकंठावरण। सेवादास, इनकी रचना रस दर्पण, राधा सुधा शतक, रघुनाथ अलंकार। अगले कवि ग्वाल कवि, रचनाएं रसिकानंद, यमुना लहरी, रसरंग, भूषण दर्पण, राधाष्टक, कवि हृदय विनोद, कुब्जाष्टक, कवि दर्पण, अलंकार भ्रमण
भंजन, अगले कवि बोधा, गिरह वारिसा और इश्कनामा, अगले कवि वृंद कवि, रचनाएं वृंद विनोद सच्चाई और यमक सच्चाई, पद्माकर की रचनाएं हैं गंगा लहरी, हिम्मत बहादुर विरुदावली, जगत विनोद, ठाकुर की रचनाएं हैं ठाकुर ठसक, सेनापति की रचना कवित्त रत्नाकर, राम सहाय की रचना श्रृंगार सत्सई। इसके बाद शुरू होता है आधुनिक काल,